चलिए आज हम लोग देखते हैं डाइजेशन। चूंकि कोरोना की लड़ाई में अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो स्वस्थ कैसे रहेंगे जब तक हम जो पौष्टिक भोजन नहीं लेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं डाइजेशन क्या है। डाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? पाचन। डाइजेशन मीन्स पाचन। जैसे आप देखिए जो भोजन हम करते हैं, यानी भोजन को जैसे रोटी है या कुछ भी है, जिस प्रकार से हम उसको जो है मुँह में डालते हैं, क्या उससे कुछ से वैसे हमारे शरीर के अंदर चला जाता है? ऐसे नहीं होता। भोजन का जो जटिल अणु है वो सरल अणुओं में टूट जाता है। तो आप कह सकते हैं कि भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदल कर पाच्य योग्य बनाना पाचन कहलाता है। भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदल कर पाच्य योग्य बनाना पाचन है। अब पाचन की क्रिया कहाँ कहाँ कैसे स्टार्ट होती है उसको आप देखेंगे। जैसे आप देखें कि ये आहार नाल की इस प्रकार से फिगर को आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा जो कि इस प्रकार से लगभग आहार की आकृति होती है। और यहाँ पर की माउथ का हिस्सा, माउथ सबसे पहले जो भोजन है वो किस भाग में जाता है? इस माउथ पार्ट में ही जाता है, माउथ में ही जाता है, माउथ में मुख। मुख में भोजन का पाचन दो प्रकार से माउथ पार्ट में भोजन का पाचन दो प्रकार से होता है। पहला है मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन, और दूसरा है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ये दो प्रकार का इस माउथ भाग में जो है पाचन होता है। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? जिसको हिंदी में हम यांत्रिक पाचन कहते हैं। केमिकल का मतलब रासायनिक पाचन। भोजन के टुकड़े को काटना, चबाना और आहार नाल में सरकाना, यह मैकेनिकल डाइजेशन कहलाता है। दूसरा केमिकल डाइजेशन,
हमारे मुखा में लार ग्रंथियों द्वारा कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार में सलाइवा में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को माइटोज में कन्वर्ट कर देता है। माइटोज में कन्वर्ट कर देता है, कौन कर देता है? टाइलिन, ये माइटोज में कन्वर्ट कर देता है। और साथ ही साथ जो लार है वो भोजन में मिक्स हो करके यानी कि मिल करके भोजन को लसलसा मुलायम यवम आहार नाल में सरकने योग्य बनाता है। क्लियर? तो इस तरह से माउथ पार्ट में दो प्रकार से आचरण होता है। फिर किया जाता है ये हिस्सा फैरिंग्स एंड ऑएसोफेगस। फैरिंग्स मींस ग्रसनी, ऑएसोफेगस मींस ग्रास नली। इस ग्रसनी और ग्रास नली भाग में भोजन का पाचन नहीं, यह केवल और केवल भोजन को आहार नाल में सरकाने का काम। भोजन खा करके इस आहार नाल के सबसे चौड़े हिस्से में पहुंचता है जिसे स्टोमच कहा जाता है। स्टोमच को हिंदी में आमाशय कहते हैं, आमाशय। अब यहां पर भोजन जो है लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है। इस समय क्या होता है इस भाग में भोजन का? चूंकि इसमें आमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है जिससे स्रावित होने वाले रस को गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? इस गैस्ट्रिक जूस में HCl, पेप्सिन, रेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज, ये होता है। अब HCl का क्या फंक्शन है? HCl क्या करता है? HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। पहला वर्ग क्या है कि यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। दूसरा फंक्शन क्या हो गया? भोजन को सड़ने से बचाता है, तीसरा पॉइंट क्या हो गया? भोजन के साथ आए हुए हानिकारक
के कामों को न करना। ये जो है और अस्थियों को घुलाना, ये जो फंक्शन एक्सियल का है। अब पेप्सिन का क्या है? ये पेप्सिन जो है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन के रूप में स्रावित होता है। किसके रूप में? निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, नोजेन के रूप में स्रावित होता है। और जो पेप्सिन है एक प्रकार का प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है, बीकर है। ये क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटीएजेज में बदल देता है। प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटीएजेज में बदल देता है। तीसरा, रेनिन। रेनिन, रेनिन में क्या, इसका फंक्शन क्या है कि रेनिन ये भी प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है। किसका? जैसे आप दूध पीते हैं, दूध में कौन प्रोटीन पाया जाता है? साइंस को नहीं जानते, क्यों जानते? दूध हम पी लिए बस, लेकिन उसको जानिए कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम केसिन प्रोटीन है, और ये रेनिन करता क्या है? उसे पैरा एसिनेट में बदल देता है, जिसके कारण आप देखते होंगे जैसे बच्चा दूध पीता है, पीने के बाद जैसे लगता है उसको जो है थक्का जैसे जम गया, थक्का जैसे निकलता है, तो वही जो है दही के रूप में जो है परिवर्तित होकर थक्के के रूप में बदल जाता है। गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज जो है आप जैसे तला भुना चीज ज्यादा खाते हैं, वसा ज्यादा लेते हैं, तो आप ये सोचते हो ज्यादा तला भुना खाने के बाद क्या होता है? आपका डाइजेशन खराब हो जाता है, सही नहीं रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप अधिक मात्रा में तली भुनी चीजों को खाते हैं तो यह आमाशय जो है अधिकतर वसा का पाचन आमाशय में नहीं होता है, केवल आंशिक रूप से वसा का पाचन होता है। और ये गैस्ट्रिक लाइपेज क्या है? इसे ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी पेशियों द्वारा इस भोजन का मंथन होता है, भोजन की लुगदी बनती है। यहां पर जो है आप देखेंगे तीन भाग इसके होते हैं, एक है कार्डियक रीजन, इसके जो है इस हार्ट को सॉरी स्टोमच के तीन भाग, पहला कार्डियक रीजन, कार्डियक, दूसरा फंडिक रीजन, अगला पाइलोरिक रीजन, ये तीन। आपने देखा, आप ये सोचते होंगे कि ये भोजन जैसे तुरंत वैसे इस डोडेनम पार्ट में पहुंच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडेनम पार्ट में, ऐसे जैसे आपको एक उदाहरण बताएं, आप जो है सरसों की पराई कराने के लिए मशीन पर गए होंगे, वहां पर देखा होगा क्या सरसों एकाएक उसमें जाता है? नहीं, थोड़ा थोड़ा करके सरसों उसमें जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती हैं,
जो इस भोजन को थोड़े थोड़े हिस्से के रूप में लुगदी को इस डाउनियम भाग में प्रवेश कराती है। जब भोजन इस स्मॉल इंटेस्टाइन के डाउनियम यानी कि ग्राही भाग में पहुंच रहा होता है तो उसी समय क्या होता है कि जिस समय भोजन डाउनियम भाग में पहुंच होता है ठीक उसी समय लेबर स्रावित बाइल यानी कि बाइल जूस यानी कि पित्त रस और पैंक्रियाज से स्रावित पैंक्रियाटिक जूस भी आकर के इस डाउनियम भाग में पहुंचते हैं। जैसे आप देखें कि किस प्रकार से ये पहुंचते हैं, ये जो है डाउनियम का हिस्सा यहां पर ये एक फाइले की जैसी संरचना होती है जिसे हम गॉलब्लैडर कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं और यही से एक इस प्रकार की संरचनाएं लगी हुई होती है जिससे जो है पैंक्रियाज कहते हैं, इस पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस का स्रावण होता है और ये जो है आपका लीवर लीवर तो जो ये लीवर है मनुष्य का लीवर किस कलर का होता है पहले इसको जाने। मनुष्य का लीवर ये चॉकलेटी कलर का होता है। यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और एक स्वस्थ मनुष्य में इसका भार लगभग 1500 ग्राम होता है। तीन लोब्स में बटा होता है और प्रत्येक लोब भी छोटे छोटे लोब्यूल्स का बना होता है जिसे ग्लाइसेंस कैप्सूल कहते हैं। इस ग्लाइसेंस कैप्सूल के द्वारा हेपेटिक सेल्स का भी निर्माण होता है और हेपेटिक सेल्स द्वारा ही बाइल जूस का स्रावण होता है और ये बाइल जूस आकर के इस गॉल ब्लैडर हिस्सा में जो है जिसे हम पित्ताशय ग्रावणी का हिस्सा है जैसे भोजन इसमें पहुंचता है उसी समय जो है भी आकर के इस भाग में पहुंचता है। वायु का फंक्शन क्या है, यह भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। जो वहां पर अम्लीय था या यहां पर पहुंचने के बाद क्या हो गया, क्षारीय हो गया। तो कल हम डिटेल से इस लीवर के बारे में देखेंगे। बस आज यहीं तक जाने। धन्यवाद।